आईपीएल 2024 में अच्छी फॉर्म में चल रहे मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 25 गेंदों में 36 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान हिटमैन रोहित शर्मा ने 3 छक्के और 2 चौके भी लगाने का काम किया। इस दौरान रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 144 का रहा। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में लगातार 3 छक्कों की मदद से मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 छक्के जड़ने के साथ ही रोहित शर्मा आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने इस मैच में मुंबई इंडियंस के लिए 225वां छक्का लगाने का काम किया। उन्होंने दिग्गज पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में मुंबई इंडियंस के लिए 223 छक्के लगाए थे। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की सूची में हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 104 छक्के लगाए हैं। वहीं ईशान किशन 103 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर और सूर्यकुमार यादव 97 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान ही मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा ने आईपीएल का 250वां मैच खेलने का काम किया। बता दें कि रोहित शर्मा का आईपीएल करियर शानदार रहा है। वह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी वक्त से सेवाएं दे रहे हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।